तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज सुजीत टूर ब्लॉग में मैं सुजीत आप लोग के लिए लेके आया हूँ बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज जिस जगह को आप लोगों को दिखाने वाले हैं वो जगह काफ़ी हिस्टोरिकल है, और आशा करते हैं आज का ये एपिसोड आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगने वाला है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पर जो भी भाई नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि हमारा सारा एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता के एक नए जगह पे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं विक्टोरिया गार्डन, तो अब टिकट लेके चलेंगे अंदर विक्टोरिया गार्डन का। और ये हमारे भाई साहब हैं, इन्हीं के साथ हम आए हैं। भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव दास है। इनका नाम संजीव दास है, रैपिडो गाड़ी ये चलाते हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं भाई। तो इनके साथ हम आए हैं यहाँ तक, तो अब निकलेंगे अंदर जाएंगे विक्टोरिया गार्डन टिकट लेके। तो आप सब देख सकते हैं, चलते हैं थोड़ा सा एक ठंडा पानी ले लेते हैं और उसके निकलेंगे टिकट लेके अंदर, और फिर आप लोगों को दिखलाते हैं क्या नज़ारा है अंदर का। ये कुछ फॉरेनर रोड भी लोग भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे यूरोप से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि रानी विक्टोरिया के नाम पर ये गार्डन है, तो उन लोगों का भी थोड़ा सा अटैचमेंट है। तो भैया चलते हैं विक्टोरिया गार्डन के अंदर। तो अभी पता चला है विक्टोरिया पार्क और म्यूजियम दोनों का टिकट एक साथ लेने पे 30 रुपये में टिकट मिलता है, तो पहले टिकट ले लेते हैं भाई। भीड़ है भाई, ये है अपना टिकट 30 रुपये इसका दाम है। अब चलते हैं अंदर। और ये यहाँ पे आपको ये चश्मा वगैरह मिल जाएगा। चलते हैं अंदर, और यहाँ पे होता है टिकट चेक। ये बांग्लादेश के लोग हैं तो इन लोगों का टिकट अलग लगता है। तो बांग्लादेश के लोगों के लिए टिकट अलग है, ये लोग ने इंडियन टिकट पे अंदर जाना चाह रहे थे तो उनका टिकट चेंज कराया गया है। जो लोग अपना लगेज लेके आते हैं बैग वगैरह, उन लोगों का यहाँ जमा होता है।
दोस्तों गर्मी से बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। तो अब यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं फिर आगे चलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा छांव है और सामने तालाब है। यहाँ कहीं भी थोड़ा सा जगह मिले वहाँ पे केवल आपको लड़का लड़की दिखेगा और लोग बस शांत जगह खोजते हैं। नाम है तुम्हारा? मुतसिम आलम। हम भी व्लॉगिंग करते हैं। वाह बहुत अच्छा स्टार्ट किया। बिहार दरभंगा से भाई, ये तो हमारा पड़ोसी है लगता है, मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाने में। तो ये लोग मिल गए भाई विक्टोरिया गार्डन में, बहुत अच्छा लगा। और ये जो है सो अभी अपना नया चैनल शुरू किया, बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहे। एक घंटा करीब करीब रेस्ट कर लिया एंड अभी भैया भी है, सब में भैया भी ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भैया का बचा हुआ है वो दिखाते हैं आप लोगों को। वैसे ऑल ओवर यहाँ आपको 90% कपल मिल भी आते हैं और इस तरीके का नजर निकल कर पहले हमको करना है लंच एंड भाई है साथ में तो कर लेंगे यार, भाई को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। कोई दोस्तों बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता है, आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे स्थिति है। आप फैमिली के साथ नहीं आ सकते, सच कहूँ तो बहुत बुरा हाल है। मतलब सब कुछ अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होना चाहिए प्राइवेसी, लेकिन वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ ऐसे ही ओपन चलता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए भाई फुल पैकेज चल रहा है छाता के अंदर। यहाँ पर देख सकते गाइस और भाई कितना खूबसूरत नजारा है। राइट है भाई एंड यहाँ पे व्यू का एंजॉय एक गेट से हम दूसरे गेट की तरफ आ गए हैं। अब इधर भी आपको दिखलाते हैं इधर का नज़ारा। ये है भैया, ये देख सकते हैं भैया। तो इस तरीके से लोग छत लगा के यहाँ पे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग।
ये देख सकते हैं और ये देखिए ये दोनों भैया जो ये अगल बगल में ताक झाक करने के लिए बैठे हुए हैं और जो कुछ खिलाड़ी टाइप के लोग हैं, देखिए भाई कहाँ कैसा जगह ढूंढ लिए हैं भाई ये लोग, पता नहीं भाई कहाँ से ये लोग आते हैं। जो भी है भाई उन लोग को पर्सनल लाइफ है, लेकिन आते जाते लोग को भाई कुछ लोग फैमिली के साथ होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, तो थोड़ा सा सार्वजनिक जगह पे थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए। बहरहाल कोई बात नहीं भाई, अपनी ज़िंदगी है, जिसको जैसे जीना है जीना, तो भाई कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिए छाता लगा हुआ है, शाम के समय में छाँव में छाता, ना बारिश है ना धूप है, समझ सकते हैं आप लोग छाता क्यों लगा हुआ है। ऐसा बहुत कुछ दिखने वाला है आप लोगों को आगे। देखो कितना प्यारा बच्चा है, ये अपनी मम्मी को घुमाने लाया है। लाई है, लाई है। ओए होए क्या नाम है? आयाना। आयाना हेलो, हाय कर दो। हाय, काफी धूप है भाई और इस तरीके से फैमिली भी यहाँ रहते हैं, लेकिन वो आपको कम ही दिखेगा, मैक्सिमम कपल। तो ये आप देख सकते हैं भाई लोग कितना अच्छा नज़ारा है, और सबसे ज़्यादा छाँव इसी जगह पे है, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पीस, काफ़ी शांति का माहौल आपको मिलेगा यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी की वजह से थोड़ी सी परेशानी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। अभी हम हैं विक्टोरिया गार्डन, जो कि कोलकाता का काफ़ी ऐतिहासिक गार्डन है ये, और सामने आप देख सकते हैं वो म्यूज़ियम है जो कभी महल हुआ करता था, तब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। हमारे जस्ट पीछे म्यूज़ियम है और ये पार्क आप इससे पहले देख ही चुके हैं। तो दोस्तों बचपन से हम विक्टोरिया गार्डन के बारे में बहुत कुछ सुनते थे, और मतलब हमारे मन में हमेशा से था कि जब कभी हम कोलकाता जाएंगे तो विक्टोरिया गार्डन एक बार हम ज़रूर घूमेंगे। तो बचपन से जो हमारा शौक़ था या हमारी जो इच्छा थी विक्टोरिया गार्डन घूमने का, वो आज पूरा हो गया और विक्टोरिया गार्डन अच्छे से हम घूमें। और
बहुत अच्छा लगा ऑल ओवर गार्डन। अब हर एक लोगों का अपना लाइफ स्टाइल है, लोग अपने हिसाब से जीते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा भाई हमारा ये विक्टोरिया गार्डन घूमने का जो ये अनुभव है काफ़ी बढ़िया रहा। तो आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल पर जो भी भाई नए हैं वो सब्सक्राइब करना, और भाई अपना सपोर्ट आप लोग ऐसे ही देते रहें ताकि आप लोगों का जो ब्लॉग है ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम हर समय कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आते रहें। फ़िलहाल ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।